छठ महापर्व चुनौतियों भरा कठिन उपवास का अनुष्ठान होता है। विपदा की घड़ी में यह और भी चुनौती भरा हो गया है, लेकिन मुश्किल घड़ी में ईश्वर में आस्था और भी बढ़ जाती है। 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ में अभी ऐसा ही झलक रहा है। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा देश घरों में कैद है। इस विकट परिस्थिति में भी आज छठ महापर्व के तीसरे दिन सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया गया। अर्घ्य देने का शुभ समय शाम को 5:58 में था। वहीं मंगलवार को सप्तमी यानी 31 मार्च को भी दिव्य पुष्कर योग में उदयमान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाएगा। इस बार छठ महापर्व ग्रह गोचरों के शुभ संयोग में मनाया जा रहा है। यह पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए वर्ती पूरे विधि विधान से व्रत करती है।